नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसमें सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर दीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है श्रीनगर किस नदी किनारे बसा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, श्रीनगर किस नदी किनारे बसा है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड आंसर सभी लोग दीजिए। राइट आ रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, झेलम नदी किनारे। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, श्रीनगर झेलम नदी किनारे बसा है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, तो बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, असम, उड़ीसा, राजस्थान या फिर तेलंगाना में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लास होती है सुबह 7 बजे, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है, आप लोग याद रखिएगा। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को भारत में पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का जो बॉर्डर है पाकिस्तान देश के साथ भी मिलता है, आप लोग याद रखिएगा। कालबेलिया, घूमर, पनिहारी, ये सभी राजस्थान के फोक डांस हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो काम का कारण क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो काम ये किससे होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वायरस। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जो काम वायरस की वजह से होता है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सी करेक्ट आंसर होगा, राइनो वायरस की वजह से होता है, सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, जो काम राइनो वायरस की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फोर के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शंस को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपसे पूछा गया इनमें से कौन योग के पथ प्रदर्शक थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। गुड मॉर्निंग सभी को, अभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पतंजलि। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। पतंजलि योग से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।
सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं, वेरी गुड दोस्तों, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे, ऐसे आप लोग आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, गुड मॉर्निंग, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब चारों ऑप्शंस को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड, इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, जो काली सतह होती है ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त आपको बताना है कौन थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रमा देवी, यस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, रमा देवी थी, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, यस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, गुड मॉर्निंग, आपको बताना है रांची गांव वन्य जीव अभ्यारण किस राज्य में स्थित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कहाँ पर स्थित है ये बताइएगा, आपको बताना है रांची गांव वन्य जीव अभ्यारण कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर, ये ऑप्शन है आपके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिंकू धर्मेंद्र, अमित संजीत आपके राइट आंसर हैं, इन लोगों ने राइट आंसर दिए हैं, सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, अर्जुन गुड, आपका भी राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जम्मू कश्मीर, यस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, दाचीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा इसका, गुड। योगेश, ज्योति, इंदु आपके भी राइट आंसर है, आप लोगों ने राइट आंसर दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड दोस्तों, गुड। जूही गुड, आपका भी राइट आंसर है, अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको बताना है निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी करेक्ट आंसर होगा आपका, जलोढ़ मिट्टी, यस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, सी करेक्ट आंसर होगा, सभी ने लगभग राइट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वैसे आप लोग याद रखिएगा, ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है मुख्य रूप से, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका,
चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बताइए दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 11, 14, 12 या फिर 13, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 12। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आप लोग याद रखिएगा वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, सी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि जब भारतीय संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियां थी, तो आप लोग याद रखिएगा उस समय 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऐसे आप लोग याद रखिएगा वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। यमुना नदी निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यमुना इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तराखंड, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। गुजरात में यमुना नदी नहीं गुजरती है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वहां के आप लोग याद रखिएगा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यहां से गुजरती हैं, तो सी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, सोडियम, तांबा, आयरन या फिर नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम को। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वैसे आप लोग याद रखिएगा सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा सोडियम, इसे एन इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है सोडियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा एन इस रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जनरल के एम करियप्पा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा के एम करियप्पा पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि, अब चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपको बताना है साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था, इसका भारत में विरोध क्यों हुआ था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है,
साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आप लोग याद रखिएगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। सभी लोग इसे याद रखिएगा, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की जान गई थी। ये भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस नारी के साथ साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, साइमन वापस जाओ, ये नारा दिया गया था विरोध में। अभी आपको बताना है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था भारत में, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, बी करेक्ट आंसर होगा, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग याद रखिएगा, साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, बी करेक्ट आंसर होगा। जैसे भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा, साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। काकीनाडा पोर्ट कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है काकीनाडा पोर्ट कहाँ पर स्थित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। ऑप्शन आपको दिए गए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है आपके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश में। क्या तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा, काकीनाडा पोर्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बताइए इसका राइट क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी इसको बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हीमोफीलिया। या ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, हीमोफीलिया करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछा गया था किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो आप लोग याद रखिएगा हीमोफीलिया में, ये करेक्ट आंसर होगा। ये एक जेनेटिक डिजीज है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है परीक्षा में। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऋग्वेद को कितने पुस्तकों में विभाजित किया गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऋग्वेद को कितने पुस्तकों में विभाजित किया गया है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋग्वेद या फिर सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है, और जो ऋग्वेद है ये 10 पुस्तकों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ऋग्वेद 10 पुस्तकों में विभाजित है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा 17 के लिए, आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा, येन किस देश की मुद्रा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए,
बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। येन किस देश की मुद्रा है? जापान, चाइना, दक्षिण कोरिया या फिर भूटान? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जापान। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा, येन जापान की करेंसी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा, जापान एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। सभी लोग इसे याद रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो है। और वर्तमान में जापान के परीक्षा में पूछा जाता है, वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, फुमियो किशिदा। ये वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। ये क्वेश्चन याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकते हैं, करेंट का क्वेश्चन है। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा को लिखा था? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु गोविंद सिंह। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा था। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह। ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे, इसे आप लोग याद रखिए। जैसे भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। लगभग सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नृत्य शैली डोलू कुनिता किस राज से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नृत्य शैली डोलू कुनिता मुख्यतः किस राज से संबंधित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर कर्नाटक? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप लोग उसे नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटक। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, डोलू कुनिता कर्नाटक से संबंधित है, तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन कब हुआ था, सभी लोग याद रखिए 1905, 1905 में हुआ था। अब आपको बताना है उस समय भारत का वायसराय कौन था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड कर्जन। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग याद रखिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। आपसे पूछा गया है 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग याद रखिएगा,
1793 में जमींदारी प्रणाली को कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी। इसके लिए आपको आंसर देना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनान। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, यूनान में ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। गुड मॉर्निंग सभी को, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आरती साहब। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहब थी। तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है 1965 में युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग सभी को, अभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल बहादुर शास्त्री। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, 1965 में जब युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे। तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ये भी आप लोग याद रखिए, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है तने का वह भाग जो इसे सॉरी पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डंठल। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग याद रखिएगा, उसे डंठल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए मांसपेशियों में ऐंठन किसके कारण होती है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए, बताइए मांसपेशियों में ऐंठन किसकी वजह से होती है। सभी आंसर करिएगा, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। लैक्टिक एसिड इसके जमा हो जाने के बाद मांसपेशियों में थकान महसूस होने लगती है, मांसपेशियां थकने लगती हैं। तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर होगा, लैक्टिक अम्ल का संचय। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनके राइट आंसर है यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, चलिए इसका आंसर करिए 27 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कृषि पर निर्भर थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 27 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। गुड, आप सभी के इस बार राइट आंसर है, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन बाहुकोष्ठी जीव नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा एक बाहुकोष्ठी जीव नहीं है? अमीबा, बिल्ली, मानव, घोड़ा, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमीबा। यस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा एक बहुकोशिकी जीव नहीं है, तो ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अमीबा ये एक कोशिकी जीव होता है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 6 वर्षों का। डी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है आप लोग याद रखिएगा, 6 वर्षों का होता है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। सभी लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पटना, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, क्या ऑप्शन है आपके? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हैदराबाद में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर है, सभी लोग याद रखिएगा। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। हैदराबाद परीक्षा में पूछा जाता है किस नदी किनारे स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा, मूसी नदी किनारे बसा है, ये भी आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। गुड मॉर्निंग, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है नीली क्रांति किससे संबंधित है मुख्यतः। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मत्स्य उत्पादन से। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, यस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, तो डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए। अभी इसका आंसर करिएगा, 32 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों सांख्यिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग, अभी इसका आंसर करिए। बताइए विश्व में सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रोनाल्ड फिशर को। यस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग याद रखिएगा, रोनाल्ड फिशर को विश्व में सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, तो बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है?
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है ये जो 49वीं समांतर रेखा है ये किन दो देशों के मध्य स्थित है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, यूएसए और कैनेडा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा, 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोयला, हीरा, चांदी, लोहा, ये ऑप्शन है आपके। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हीरा। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चार ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव से। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित है अनुच्छेद 66, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड मॉर्निंग, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए शाक्यमुनि और तथागत ये किसके अन्य नाम थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गौतम बुद्ध का। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, शाक्यमुनि तथागत ये गौतम बुद्ध के अन्य नाम थे, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको बताना है भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई कब शुरू की जा सकती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई कब शुरू की, सॉरी कहां शुरू की जा सकती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों में ऐसे किसी भी सदन में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई किस सदन में शुरू की जा सकती है, तो आप लोग याद रखिएगा, दोनों में से किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे, इसके लिए आपको आंसर देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जाकिर हुसैन। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, तो बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा, एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिएगा। गुड, ये भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यही आगे चलकर भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड,
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। थार की रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए उसका नाम क्या है। लूनी, चंबल, झेलम, सोन, ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लूनी नदी। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तिरुवनंतपुरम। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए दोस्तों फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तंजानिया, ईरान, जापान या फिर म्यांमार, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जापान में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में स्थित है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए दोस्तों मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, इसके लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रक्ट किडनी। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, थल सेना, वायु सेना और नौसेना, इनका मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड, जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यू दिल्ली, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इनका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, बहुत अच्छे, इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने हराया था, इसके लिए आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शेरशाह सूरी ने, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, और इसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, डी करेक्ट आंसर होगा इसका।
अब पूछ सकते हैं आपसे परीक्षा में, चौसा का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिए। सॉरी, 1539 में हुआ था, 1539 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन पाउंड, युआन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सभी लोग इसे याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। देखिए करेंसी संबंधित परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिए, इसका आंसर करिएगा 47 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बारामती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बारामती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत अच्छे, गुड। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको बताना है बारामती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओडिशा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग याद रखिएगा, बारामती किला ओडिशा में स्थित है, तो बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, गुड, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। चलिए इसका आंसर करिएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको बताना है गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष कहां पर लगता है? वेरी गुड दोस्तों, अभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष कहां पर लगता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर नवद्वीप, जिनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेस्ट बंगाल में। यह ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा, गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष पश्चिम बंगाल में लगता है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, गुड। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश आपको बताने हैं, वर्तमान में अगर पूछा जाए, करेंट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा डी वाई चंद्रचूड़। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच जे कनिया। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, यस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वित्त मंत्री। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, संसद के समक्ष भारत का वार्षिक बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, इनमें से कौन सा डांस उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा डांस उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? चरकुला, कठपुतली, मयूर, रासलीला, ये ऑप्शन है आपके, बहुत अच्छे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, कठपुतली नाच, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है राजस्थान से। आप लोग याद रखिएगा, कठपुतली नाच ये राजस्थान से संबंधित है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, चरकुला, मयूर, रास,
लीला, ये सभी हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सभी लोग इसे याद रखिएगा। 51 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा, नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है नाइट्रोजन गैस की खोज किसके द्वारा हुई थी, इसके खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रदरफोर्ड ने। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, अनुज गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए ठुमरी गाय का गिरजा देवी किस घराने संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठुमरी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, गिरजा देवी को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। सभी लोग इसे याद रखिएगा, गुड मॉर्निंग। और ये बनारस घराने से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, ठुमरी गाय का गिरजा देवी बनारस घराने संबंधित है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गीता रहस्य पुस्तक को किसने लिखा था ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक ने। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इनमें से किस राज्य में कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। किस राज्य में नहीं लगा राष्ट्रपति शासन ये आपको बताना है। गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, छत्तीसगढ़। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग याद रखिएगा, अभी तक छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, तेलंगाना में भी अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा था। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी इसका आंसर करिएगा, सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए आंसर करिए। बताइए किसान घाट किसका समाधि स्थल है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसान घाट किसका समाधि स्थल है। 56 के लिए आंसर करिए, ये दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चौधरी चरण सिंह। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है किसान घाट। तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा 57 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है आपको बताना है, या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी लोग याद रखिएगा, भारतीय संसद के तीन अंग होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसके तीन अंग होते हैं यही, इनको आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 58 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। गुड,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिए, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 58 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भारतीय संविधान की मूल प्रति किसने लिखी थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए भारतीय संविधान की मूल प्रति किसने लिखी थी। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेम बिहारी राय जादा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, प्रेम बिहारी राय जादा, इन्होंने भारतीय संविधान की मूल प्रति लिखी थी। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मोटर वाहन की बैटरियों में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मोटर वाहन की बैटरियों में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4। इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए डल लेक कहाँ स्थित है। जल्दी से सभी लोग आंसर करिए। बताइए डल लेक कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जम्मू कश्मीर में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है डल लेक। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे दोस्तों, डल लेक जम्मू कश्मीर में स्थित है, डल झील। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 61 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 10 बजे आपकी क्लास होती है, स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए। तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। 38 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। हमारा 38 में 38 का टारगेट है। इसके लिए आप लोग डेली सुबह 7 बजे लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। थैंक यू गाइस, थैंक यू।